आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली। आज मैं ना थोड़ा सा अपना न्यू वाला साइड दिखाने वाला तुम सभी लोगों को कि कभी कभार कुछ ऐसे दिन जाते हैं जहाँ ना ग्रैंड मास्टर पे काफी ना मुश्किल दिन रहता है, तुम्हारा प्लस नहीं होता, किल नहीं लगता, तो मैं उसी तरीके से कुछ दिखाने वाला हूँ। सो के हम करने वाले हैं BR रैंक पोस्ट, जहाँ पे कि हम देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। हालांकि मैंने दिखा दिया मैं अभी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद देखते हैं ये वाला गेम मेरा कैसा जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं टीममेट के साथ, हालांकि दो रैंडम थे इसमें, मैं बिल्कुल नहीं जानता था इनको, एक ही था। तो बेसिकली हम सभी लोग उतरते हैं कहाँ पे, ग्रेवयार्ड के ऊपर, जो कि काफी सेफ रहता है। मैंने लैंडिंग कराई थी यहाँ पे क्योंकि मैं अब रैंडम प्लेयर्स को नहीं दे सकता था, एक मेरा ही था जैसे कि मैंने बोला था, मेरी फ्रेंड लिस्ट का बंदा था, बाकी तो रैंडम थे। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है मैंने क्या किया, वो ऑब्जर्वेटरी चला गया। ऑब्जर्वेटरी जाने के बाद अब यहाँ पे मुझे कोई होगा नहीं, क्योंकि हम ना एकदम ही पीछे पीछे से छुप के आए थे, तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ कोई होगा। लेकिन गाइस मैं तुमको एक चीज बता दूं, ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि कभी भी कोई भी एनिमी आ सकता है। मैं बस इधर मुड़ के पीछे देख रहा था, एक बंदा मेरे को दिखा और अभी तो मैं वहीं से लूट करके आ रहा था, मैंने देखा ये क्या कर रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे जाके मैंने नॉक कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अब इतने में देखता हूँ दो बंदे जो होते हैं मेरे पता नहीं कहाँ लड़ रहे होते हैं, और अचानक से जैसे आगे जाता हूँ ये दोनों में से एक नॉक और दूसरा भी नॉक, गाइस दोनों के दोनों कहाँ से पड़ी आई डोंट नो, पर मैंने इसको जाके जल्दी से ना डिमेत्री लगा दी और यहाँ पे वेट करता हूँ पीछे, कहीं से मार तो नहीं रहा, ट्रीट थी मैंने ट्रीट किया इसको फटाफट से, बाकी तो टीममेट तुमको पता चले गया कैसे खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने दूसरे के पास गया और इसको भी मैंने किया रिवाइव, क्योंकि अगर ये भी मर जाता तो दिक्कत हो जाती, और ट्रीट तो थी गाइस, ट्रीटमेंट ले लिया करो। मैं तुम सभी लोग एक टिप देना चाहूँगा, ट्रीटमेंट गन जितनी जल्दी हो सके स्टोर से ले लिया करो। उसके बाद गाइस मैं उसको ढूंढने गया, कहाँ है भाई, वो ऊपर निकला, ऊपर से मारा तभी किसी को पता नहीं चल रहा था। तो मैंने इसको तो गाइस अच्छे से ना एक बार ना एम लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने देखा यहाँ से मैं मार सकता हूँ इसको, मैंने इस पर भर दिया और ये हो गया नॉक। लेकिन उसके बाद डिमित्री थी, अभी तो सबके पास है डिमित्री और नायरी है, ये बेस्ट कैरेक्टर चल रहा है अभी के टाइम में। तो गाइस वॉल तो टूटने वाली थी नहीं, मुश्किल से टूटती, लेकिन मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। हालांकि इसके पास नायरी नहीं थी, लेकिन फिर भी गाइस दिख नहीं रहा था तो बच गया। उसके बाद गाइस क्लियर वगैरह हो गया था, भाग गया था, पता नहीं हमने फोकस नहीं किया, हम ना आगे की तरफ चले गए, और आगे की तरफ जाने के बाद हमने कहाँ उतरे, यहाँ पे, कहाँ पे, प्लांटेशन के आगे। मैं इसे प्लांटेशन बार बोल देता हूँ, कटवास्टिको है प्लांटेशन, कटवास्टिको एक ही जगह है। हालांकि यहाँ पे एक एनिमी देखा, मैंने इसको मार दिया जल्दी से, इसका टीममेट भी था, लेकिन गाइस वो ना भाग गया, इसको ना बचाने नहीं आया, तो मैंने वॉल लगा ली। और उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ आगे पीछे से काफ़ी सारे बंदे उतर रहे होते, बहुत सारे, मतलब मैं सीन तुम लोगों को काट काट के दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तुमको थोड़े समझ में आए कि किस तरीके से पुश कर रहा था। मेरा एक एनिमी वापस से डाउन कर देता, मेरे टीममेट को सामने वाला एनिमी, उसके बाद मैं उसको जाके डाउन कर देता हूँ। इसे क्लियर करने के बाद अब मुझे और भी एनिमी को ढूंढना था, और इतने में मुझे पता था वो रिवाइव तो हो जाएगा जो मरा है, तो वो रिवाइव हो गया। उसके बाद मैं आ गया स्टोर के पास, यहाँ पे देखता हूँ फाइट ही फाइट हो रही है, मैंने ग्रेनेड कुक किया, और ग्रेनेड कुक करने के बाद मैंने मारा, ऊपर से देखता हूँ और एनिमी तो आ ही गया, किसी को नहीं लगा भाई, सारी उम्र जोकर बन रहा है, वो क्या सॉन्ग याद आ गया मेरे को, पता नहीं इतने सामने से क्यों नहीं लगा। हालांकि मैंने इसको भाई ट्रोगन से मार दिया, नॉक भी बहुत मुश्किल से होते गाइस, देख लो इतना टफ हो गया आजकल मारना ना एनिमीज को, क्या ही बोल। लेकिन गाइस मैं कहूंगा ट्रोगन जो है ना बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है, खैर इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसके बाद जब मैंने यहाँ पे सबको मार दिया तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं चला गया सीधा हंगर। एनिमी था मेरे पास M60 थी लेवल 3 की, मैंने यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म कर दिया इसको, मैंने बहुत ही तरीके से हेड लग जाता इजी। और उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ बहुत सारे एनिमी मेरा जो है ना, मतलब ऐसे सिचुएशन में तुम रहते हो तो जिधर देखो उधर मारो, खूब डैमेज लो। तो मैं देखता हूँ भाई उधर जो है ना गाड़ी से एक बंदा गया, और वहां देखो एक एनिमी है वॉल के पीछे, वॉल तोड़ देता है, हालांकि मैं उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन गाइस उतना भी नहीं लगता इस पर। यहाँ पे जो अच्छी बात थी कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद गाइस मेरे जो कुछ टीममेट थे वो नॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किल चोरी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे हो जाते हैं 6 किल। अब 6 किल जोन जो है एकदम ही लास्ट जो वाला था ना, वो रिमनाम विलेज पे बना था लास्ट जोन, और उसके बाद हम सभी लोग यहीं पे बैठे हुए थे। 3 टीममेट थे, मैं और वो और ये, मतलब एक तो मरा हुआ था, सामने एनिमी थे, मैं उसको मारने की खूब ट्राई कर रहा था, एक एनिमी एकदम ही क्लोज में मेरे रस कर रहा था, मैं अंदर ही था, लेकिन मैंने जो है ना ज़्यादा जो है हड़बड़ी नहीं दिखाई और अंदर ही बैठा रहा। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की कि भाई वो भी रुक गया, मैं भी रुक गया, मैं काफ़ी वेट करता हूँ, लेकिन एक 4 वर्षों से मारने की ट्राई करता और मेरे यहाँ पे किल चोरी हो जाता। मैंने हेड बहुत तगड़ा मारा था इसके अंदर, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके बाद गए मेरे सारे टीममेट नॉक हो जाते, किल चोरी करने में नंबर 1 लेकिन पिटने में सबसे आगे। हालांकि ऐसा बोला नहीं चाहिए, देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो लास्ट वाले बंदे ने मेरे किस तरीके से मारा, यहाँ पे टॉप 2 ही हो पाया, तो पहला गेम तो मेरा ऐसा गया। अब ये करने के बाद गाइस दूसरा गेम मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम लेता नहीं, डुओ स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि डुओ में ना मैं बुया बहुत तगड़ा मारता हूँ, लेकिन गाइस मेरा बुया का रेट बहुत अच्छा है, मतलब डुओ में मैं टॉप 2 टॉप 3 टॉप 1 हमेशा ऐसे ही आता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखना कितना गलत मैं जाता हूँ, वापस ग्रेवयार्ड उतरते हैं, और ग्रेवयार्ड उतरने के बाद जो है ना हमें लूट वूट
भी अच्छी खासी मिल जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब लूट वूट अच्छी मिल जाती है तो क्या होता है ऐसे में कि हमको कहीं और जाना होता है, मैं उतरता हूँ और यहाँ पे अपने दोस्त के साथ लूट कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के ऊपर ना जो है ना कोई फायर करने लगता है, मैं देखता हूँ कौन है भाई वहाँ पे, तो मैं आगे जाता हूँ, लेकिन इतने में गाइस जैसे ही आगे जाता हूँ मेरे को नॉक कर देता है। हालांकि गाइस अच्छी बात थी कि मेरे पास नायरी वगैरह थी, मैं आराम से यहाँ पर रिवाइव होता हूँ, लेकिन गाइस ये जो बंदा है ना ये ऊपर से मार रहा होता है और अचानक से कहीं गायब हो जाता है, मतलब अब गायब ही हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। हम इसको ढूंढने की ट्राई करते हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद जो है ना ऊपर मिलता है अपने दोस्तों के साथ, मतलब मेरे टीममेट के पास, और वो इसको मार देता है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी बात ये थी कि अब हम सेफ हो जाते हैं, लेकिन सेफ होने का मतलब ये नहीं कि हम मुझे किल भी चाहिए वरना मेरा प्लस नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्लस के चक्कर में हम बहुत आगे आ जाते हैं, और उसके बाद पता है क्या प्रॉब्लम होती है, सामने एनमी आ जाते हैं यही दोनों जिसको कि हमने वहाँ पे नॉक किया था, और यहाँ पे जब मैं इसे नॉक करता हूँ ये वही बंदे गाइस जिसने मुझे वहाँ पे नॉक किया था, वॉल लगाया सामने, और इन्होंने लाइक एक तरीके से रिवेंज ले लिया हमसे। मेरे पीछे जो टीममेट था इसने जो है ना मेरे को कवर नहीं दिया, मैं यहाँ पे वॉल लगा के बस बैठा रहता हूँ, लेकिन गाइस देखो उसने स्काइलर फेंक दी, स्काइलर की वजह से नायरी तो टूट ही जाता, तुमको पता है ये बड़ा डेंजरस कैरेक्टर है। अभी देखो मैं पेड़ के पीछे कवर रहता हूँ, मेरे पीछे वाले को मुझे कवर देना चाहिए, मैं इसको मार रहा हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे मैं इसको मारूंगा तो मरेगा, यहाँ पे आता, लेकिन गाइस देखो मैं जिसको जैसे ही मारने जाता हूँ मेरे को पीछे से वो मार देता, देखो वहाँ से मेरे को कवर नहीं मिलता, और ये तो निकलता है नहीं जोन से, हालांकि मैं इसको थोड़ा बहुत मार। यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि मैं जो है मर जाता हूँ और वो उसके पास जो है ना पॉकेट मार्केट होता है वहाँ से वो रिवाइव कर देता है, और उसके बाद जो है मतलब मैं कहीं अलग ही चला जाता हूँ, मुझे नहीं रुकना था वहाँ पे। तो गाइस अब मैं ना डायरेक्ट बहुत दूर बात का दिखाऊंगा जब ना सेकंड जोन ऑलमोस्ट, यार ऐसा होता है कि जब लास्ट जोन आ जाता है ना ऑलमोस्ट, देखो गाइस सेकंड लास्ट जोन मेरे पास अच्छी खासी गन आ जाती है, मैं ड्रॉप वगैरह लूट वूट के बैठा रहता हूँ, अब सामने ना एक एनिमी होता है काफ़ी देर से ना मेरे ऊपर एम ले रहा होता, मैं आगे जाता हूँ बैठता हूँ, मशीन गन होती है, बैठने के बाद क्या चलती है दो हेड मार के नॉक कर देता हूँ, अब मुझे लगता है कि मेरे को लूट अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसने डैमेज तगड़ा दे दिया गाइस उछलते उछलते, उसके पास थी नहीं कुछ, उसके बाद जाता हूँ इसको मारता हूँ, लेकिन उतने में देखता हूँ कि यहाँ पे ना पीछे से भी मेरे को कोई मारने लगता है, देखो कितनी तेजी से मारता है, और बच जाता हूँ, बहुत कम एचपी होती है, और यहाँ पे मेडिकेट वगैरह मार लेता हूँ और बच के गाइस यहाँ से जो है वहाँ एम लेता, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, अब जो है ना पीछे की तरफ निकल लेता हूँ अपने दोस्तों की तरफ, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा था नहीं। देखते देखते गाइस एकदम ही लास्ट जोन बन जाता है, एकदम लास्ट जोन बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट होता है, मैं लूट करता हूँ, लेकिन देखता हूँ लास्ट वाला बंदा ही बाकी रहता है, मतलब देखो गाइस कहाँ कहाँ से हम बच बच गया, और उसके बाद देखो हमने कितने कम किल पे गाइस अभी जो है ना ऑलमोस्ट 2v1 हो गया है, हमारे पास ये गन होती है वो अच्छा डैमेज दे रहा था, लेकिन गाइस हम दो है, ऊपर से हमारे पास ट्रीटमेंट गन है, हम आराम से गेम निकालेंगे। वो सामने पीक तो ले रहा होता है, लेकिन उसने काफ़ी देर कर दी थी मेरे ऊपर, उसने स्किल ब्लॉकर तो मारा था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, हमारे पास वॉल अच्छी खासी लूट हो चुकी थी, अब हम सामने जाते हैं और गाइस यहाँ पे देखो वो जो बंदा होता है ना गाइस वो नॉक हो जाता है, वो जाके बस क्लियर कर देता है और मेरे टीममेट ही मार देता है ग्रेनेड से। तो इस तरीके से गाइस दो गेम हुए और आज का बस ऐसे ही पुश होता है, और कितना प्लस होता है 43, ये दिन का मेरा पहला गेम था और रात का था। कीप वॉचिंग माय चैनल गाइस रेगुलरली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।